हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कमाल के कीवर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो आप देखेंगे, हाई CPC $30 का कीवर्ड मैंने बताया है। जो CPC आपको मिलेगा, $30 का CPC मिलेगा। इस वीडियो को आपको जाके जरूर देखिए, काफ़ी अच्छा कीवर्ड है और आप सभी लोग काम कर सकते हैं इस वेबसाइट। ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है, आप जरूर एक बार जाके देखिए। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोग इस प्रकार के कीवर्ड आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग या अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग से कीवर्ड अगर आपको चाहिए, किसी भी निश से रिलेटेड अगर आपको कीवर्ड चाहिए, किसी भी टॉपिक का कीवर्ड चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, abhishekkumargautam9616@gmail.com पे, और आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, कुछ प्राइस मैं चार्ज करता हूँ कीवर्ड का, वो दे के आप कीवर्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारा कीवर्ड है, ऑन द अदर एंड हैंड सनोनियम। ठीक है, ये सनोनियम क्या होता है, ये इंग्लिश वेबसाइट के लिए। ठीक है, जिस वेबसाइट पर हम मीनिंग के बारे में बताते हैं, मीनिंग का इस वर्ड का डिफिनेशन बताते हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, यूट्यूब के वीडियो मिल जाएगा, आपकी किताब में मिल जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आपकी जो सातवीं आठवीं छठवीं पाँचवीं जितने भी हैं सब में ये सनोनिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए, सारे के सारे जो है यहाँ पर कीवर्ड रैंक कराए गए। ठीक है, टारगेट किया आप देखेंगे, ऑन अदर ऑन ऑन अदर हैंड सनोनियम। ठीक है, इस कीवर्ड टारगेट किया 320, 320 ऑन अदर हैंड सनोनियम। ठीक है, कीवर्ड हमारा वही है, इस पे भी देखेंगे ऑन अदर हैंड सनोनियम एंड एटोनियम। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज अनदर वर्ड ऑफ ऑन द ऑन द अदर हैंड। ठीक है, तो कीवर्ड जो है वही है, ऑन द अदर हैंड सनोनियम। ठीक है, कीवर्ड हमारा उसी को सभी लोग टारगेटिंग, आप देखेंगे सबके टाइटल और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में सेम कीवर्ड है। ठीक है, सेम कीवर्ड, रीजन क्या है इसका, CPC अच्छा है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, और इसका जो डिफिकल्टी क्या है, जीरो है, जिसके वजह से सभी लोगों ने टारगेट करके सभी लोग रैंक करा है। ठीक है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है लिखना तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, ऐसे ही वर्ड सर्च के लिए आपको यूट्यूब पे तमाम आपको बता देंगे। ठीक है, यूट्यूब का वीडियो में आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप सर्च करके आपको बता भी देता हूँ, ताकि किसी भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप यूट्यूब के वीडियो से आप हेल्प लेके आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आपके पास अगर बुक होगी तो यहाँ पर देखो, ये पूरा अच्छे से बताया, 3 मिनट का वीडियो, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, जितने भी मैं कीवर्ड बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको यूट्यूब से, यूट्यूब पे आपको इस प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, कीवर्ड से रिलेटेड, तो इस कीवर्ड को जरूर अपने ब्लॉग वेबसाइट पर लिखिए और सिनोनियम बताइए। और यहाँ पर ट्रैफिक जो आ रही है, USA, UK, फिलिपिनिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का नहीं है, जिसके वजह से आपको CPC अच्छा मिल रहा है 0.70 का, तो आप इसे रैंक करा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरा कीवर्ड बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होने लगा। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो जाता है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये क्या है, बेक एंड कॉल, ये क्या है कि बेक एंड कॉल, अभी ये कौन सा कीवर्ड है और इसमें CPC इतना, और सबका सबका ट्रैफिक जो 16,000 का हमारा, आप देखेंगे USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ठीक है, सबसे पहले मैं USA को टारगेट करता हूँ, फिर UK आता है, फिर कनाडा है। मेरे हिसाब से ये तीन कंट्री जो एकदम बेस्ट कंट्री है, जो CPC अच्छा देती है हमको, और ट्रैफिक जो आता है कमाल का ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, ट्रैफिक अगर हमको मिल गया तो CPC का टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो ये क्या है, बेक एंड कॉल, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको। आपको ये मुहावरा एक होता है, ठीक है, इसके ऊपर मुहावरा भी लिखा गया है, तो आपको हज़ारों मुहावरे मिल जाएंगे, सरनिया मिल जाएगा। ठीक है, बेक एंड कॉल यहाँ पर लिखा है, बेक एंड कॉल। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट है सब देखें, सब सब टाइटल डिस्क्रिप्शन वही कीवर्ड टारगेट है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी कीवर्ड का अगर रिलेटेड, जैसे यहाँ पर देखें ग्रामरली में, ग्रामरली वेबसाइट है, तो ये ब्लॉग लिखा है। ठीक है, ग्रामरली तो एक हमारा है कि जो चेक करता है हमारे पोस्ट को, और उसने क्या किया, उसने भी ब्लॉग करके यहाँ पर ब्लॉग लिख के वो अपनी वेबसाइट पे क्या किया है कि इस पे ऊपर आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो क्या है कि कोई भी वेबसाइट पे ये आर्टिकल लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, अगर इंग्लिश लिटरेट नहीं है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया लिख सकते हैं दूसरी वेबसाइट ने किस प्रकार, अब ग्रामरली का क्या है, दूसरा दूसरा कुछ मतलब है सही भी सर्विस का। ठीक है, जो चेक करता है इंग्लिश करेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी क्या उन्होंने ब्लॉग बना दिया है अपनी वेबसाइट पे और ये आर्टिकल लिख दिया, क्योंकि इस पे जो ट्रैफिक जो मिल रहा है, अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है हमको। ठीक है,
ट्रैफिक मिल रहा है जिसकी वजह से उनकी अर्निंग होती है, इसी वजह से लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल जरूर लेना पड़ेगा, दूसरे वेबसाइट को आपको बिना देखे आप वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरों की वेबसाइट देख के तभी आप वर्क करें, तभी आप सक्सेसफुल आपका ब्लॉग वेबसाइट हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा कीवर्ड दिखाता हूँ, ये कीवर्ड थोड़ा सा अभी रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पर ये जो तीसरा कीवर्ड है, हैंड इन हैंड, अब ये क्या होता है हैंड इन हैंड, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। कीवर्ड जो मैं बता रहा हूँ ये कमाल का सिर्फ कीवर्ड है, और लोग ये कुछ है नहीं इस कीवर्ड में, ठीक है। आपको समझने के लिए कि हैंड इन हैंड का यहाँ पर क्या वेबसाइट ने, ये हैंड इन हैंड कुछ और कीवर्ड, यहाँ पर क्या डिफिनेशन ऑफ हैंड इन हैंड बाई मैरियर वेबस्टर, ठीक है। यहाँ लो, अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा हैंड इन हैंड का क्या फंडा है। अभी मैं आपको यूट्यूब के वीडियो पे दिखाता हूँ कि लोगों ने कैसे इसके यूट्यूब के वीडियो क्या बनाया है। अभी यहाँ पर आपको देखो आइडिया मिलेगा कि ये हैंड इन हैंड है क्या, ठीक है। यहाँ क्या हैंड इन हैंड का मतलब क्या है कि लोगों ने पकड़ पकड़ खींचना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हैंड इन हैंड का लोग अपने हाथ को ऊपर किए, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन में आप लोगों ने बताया, ठीक है। ये कीवर्ड को ये नहीं कोई बता सकता कि ये कीवर्ड पर्टिकुलर उस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर हैंड इन हैंड क्या है कि यहाँ पर लोगों ने हैंड अपना ऊपर कर रहे हैं या हाथ को मिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई और चीज़ है, डिफिनेशन कोई और है, ठीक है। बताने का जो तरीका कोई और है। अब यहाँ पर आप जाके देखेंगे इस वाली वेबसाइट पे तो यहाँ पर कुछ और बताया गया, ठीक है। हैंड का क्लैप्स कहता है, हैंड को क्या कहते हैं, दोनों हाथ को जब हम ऐसे सटाते हैं, मतलब इसमें ताली बजाते हैं, तो हैंड हैंड क्लैपिंग होता है। तो उसके बारे में लिखा गया थोड़ा बहुत, ठीक है। वेबसाइट पर जाके आप पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। और इस कीवर्ड का कोई डिफिनेशन नहीं है कि ये कीवर्ड किस वे में है, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा है कि किस वे में, पर इसका सर्च वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कुछ भी अगर लिख देंगे इस कीवर्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, तो आपको ये जो CPC है आपको मिलेगा, ठीक है। और 16K का जो सर्च वॉल्यूम ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या है, पहले ब्लॉग वेबसाइट पर जाके आपको अच्छे से रीड करने पड़ेगा, ठीक है। गो हैंड इन हैंड फ्रेज डिफिनेशन एंड सिनोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेजेस लिखी हुए हैं, सिनोनिम लिख सकते, आइडियम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का कोई लिखना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी से रिलेटेड ब्लॉग बनाए तो आपको ये सब करना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रैफिक ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड को, ये थोड़ा सा आपको कीवर्ड थोड़ा सा अलग कीवर्ड है, ठीक है। तो अभी आपको तुरंत नहीं समझ में आएगा, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तभी जाके समझ पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो में सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको कीवर्ड का आइडिया बता सकता हूँ कि आप किस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और कीवर्ड आपको दिखाता हूँ। ये जितने भी कीवर्ड मैं बता रहा हूँ आपका ब्लॉग वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड है, इंग्लिश से रिलेटेड है, ब्लॉग से रिलेटेड कीवर्ड है, जो कि आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या कि पार्ट टाइम जॉब, ये जो कीवर्ड है क्या कि पार्ट टाइम जॉब, CPC अच्छा है, इंडिया से ट्रैफिक है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब सबसे ज़्यादा इंडिया का टारगेट किया, फिर USA का है, फिर हांगकॉन्ग, मलेशिया, UK, कनाडा, ठीक है। तो सारी कंट्रीज ट्रैफिक मिल रहा है आपको, 85K का सर्च वॉल्यूम है सब कंट्रीज है, ठीक है। इस जो पर्टिकुलर पार्ट टाइम जॉब का जो कीवर्ड है वो 15K का सर्च और 0 डिफिकल्टी है, ठीक है। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको क्या करना है, पार्ट टाइम जितने भी जॉब है अपने ब्लॉग वेबसाइट में लिखना है, ठीक है। ये बताना है कि कौन कौन सी जॉब आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी जॉब आप कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कैसे आप अपने ब्लॉग पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी वेबसाइट सबसे पहले आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इस वेबसाइट क्या कि पार्ट टाइम जॉब इन लखनऊ उत्तर प्रदेश February 2020 को, ठीक है। अब ये फरवरी अप्रैल का पार्ट टाइम जॉब इन लखनऊ, 104 पार्ट टाइम ओपनिंग, ठीक है। 2 hour पार्ट टाइम जॉब ऑफर इन लखनऊ। अब इन्होंने क्या किया है, ये कुछ भी वहाँ पर दिए हों कुछ और, ठीक है, मतलब दिया होगा कि होटल में काम कर सकते हैं आप 2 घंटे जाके, 4 घंटे जाके पार्ट टाइम के लिए, ठीक है। आप किसी शॉप में जाके काम कर सकते हैं, किसी मॉल में जाके आप काम कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब ने, तो लोगों ने बताया होगा अपने वेबसाइट पर, ठीक है, अपने वेबसाइट पर लोगों ने बताया है। ये सभी जितनी बड़ी वेबसाइट है आप जाके जब वॉच करेंगे इनको, तो लोगों ने बताया यही सेम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, एक हमारे संजीव कुमार जी है सर, ये काफ़ी अच्छा अच्छा पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताते हैं, आप इनकी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और जेन्युइन चीज़ें बताते हैं, ठीक है।
और इनकी वीडियो को आप सुन करके, आप समझ करके, आप पार्ट टाइम कोई जॉब के लिए जो वेबसाइटें बताते हैं, जो तरीके बताते हैं, वो अपनी वेबसाइट में आप बता सकते हैं, ठीक है। मतलब संजीव कुमार जी जो अपने वीडियो में जो पार्ट टाइम जॉब के लिए वेबसाइटों को रिकमेंड करते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, उनकी बातों को आप समझ करके अपने ब्लॉग वेबसाइट पर आर्टिकल लिख के उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में या पर्टिकुलर की जॉब के बारे में आप जाके बता देंगे अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि कीवर्ड आपका जो है पार्ट टाइम जॉब का है। तो इसे आप टारगेट करेंगे और अपने जॉब के अपने वेबसाइट पे हम जब बताएंगे तो क्या है कि इन्होंने तो सर ने तो बता रखा है कि हाँ ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब डिटेल में बताएंगे अपनी वेबसाइट पर तो लोगों का ट्रस्ट होगा, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पर जो होता है ना एवरेज टाइम वो बढ़ेगा, तो आप रिटर्न जो यूज़र रिटर्न आता है तो गूगल प्रमोट करता है ज़्यादा। जब यूज़र रिटर्न होकर आपकी वेबसाइट पर आता है, रिटर्न यूज़र आते हैं, तो गूगल आपको प्रमोट करता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ कौन से जॉब कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो इस तरह के आप वीडियो जाके देख के उसके बाद ही लिखें सारे आर्टिकल। मैं आपको कहता हूँ कि पहले वीडियो जाकर देखें, फिर आर्टिकल आके देखें, उसके बाद आप लिखें, तभी जाके आप सक्सेसफुल ब्लॉग का आर्टिकल लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये रहे आज का कीवर्ड, पहला कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड और चौथा कीवर्ड। और मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा माय डियर फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो मैं आपका कमेंट देख के ही इंस्पायर होता हूँ, और आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं आपको कीवर्ड बताने की जो चीज़ें होती है मैं आप लोग को खोज खोज के मैं आपको ढूंढ ढूंढ के बताता रहता हूँ, ठीक है। तो और अगर आपको किसी भी निश से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कीवर्ड चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com पे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।